हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक इन अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 7 ओपन वर्ल्ड गेम जिनकी ग्राफिक क्वालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है और स्टोरी लाइन भी बहुत डेंजरस होगी गाइस, क्योंकि इन गेम्स को ढूंढने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। और गाइस, ये गेम ऑफलाइन भी रहेंगे और ऑनलाइन भी, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा गेम डाउनलोड करना है या नहीं। और इनकी इन गेम्स की सिस्टम रिक्वायरमेंट भी इसी गेम में कवर करूंगा गाइस। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोरी के। जो मेरी लिस्ट का पहला गेम है गाइस, उसका नाम है ओशन इज होम सर्वाइवल इज लैंड। इस गेम के बारे में बताऊं गाइस, तो ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है जिसमें आपको क्राफ्टिंग करने को मिलेगी, आपको अपना हाउस बिल्ड करना पड़ेगा और वेपन्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और सभी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि एक सर्वाइवल करता है आज की डेट में। और गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप अपने हाउस को बिल्ड करने के साथ आपको इस गेम में ज़ॉम्बीज भी देखने को मिलेंगे, जो कि इस गेम का बहुत अच्छा फीचर लगा मुझको। और गेम ऑफलाइन रहने वाला है। इसके साइज़ की बात करूँ तो 90 MB इसका पूरा साइज़ है। ग्राफिक्स की बात करूँ तो ग्राफिक क्वालिटी इसके साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छी है। और इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 1 GB रैम वाला मोबाइल डिवाइस तो होना चाहिए। अगर आपको ये गेम अच्छा लगा तो आप इसको डाउनलोड करके ज़रूर प्ले कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जो मेरी लिस्ट का सेकेंड गेम है गाइज, उसका नाम है स्काई कॉम्पैक्ट। ये गेम एक एयरफोर्स गेम है गाइज, ना कि कोई गैंगस्टर वाली गेम। इस गेम में आपको प्लेन्स को फ्लाई करके रियल प्लेयर्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी, जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा गाइस। तो गेम मल्टीप्लेयर भी है और इस गेम को मैंने इसलिए अपनी लिस्ट में लिया है क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट मैप्स एंड लोकेशन देखने को मिल जाती हैं, जो कि इस गेम को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाती हैं। और इस गेम में आपको डिफरेंट एयरप्लेन्स देखने को मिल जाएंगे जिनके साथ आपको डॉग फाइट करने में बहुत मज़ा आएगा गाइस। और साथ ही और इस गेम के ग्राफिक्स की बात करूं तो ग्राफिक क्वालिटी डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 2 GB रैम वाला मोबाइल डिवाइस तो होना ही चाहिए। अगर आपको ये गेम अच्छी लगी तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो जाकर प्ले इसको ज़रूर कीजिए। जो मेरी लिस्ट का थर्ड गेम है गाइज, उसका नाम है डेजर्ट स्काई। ये गेम एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट के साथ आती है गाइज, जिसमें आपको बहुत सारा ओपन वर्ल्ड तो देखने को मिलता ही है, साथ ही बहुत सारे डेंजरस मॉन्स्टर और एक्शन भी देखने को मिलता है। बहुत अमेजिंग गेम रहने वाला है। गेम के बारे में बताऊँ गाइज, तो इस गेम में आपको सर्वाइव करना हो पड़ेगा डेजर्ट में रहते हुए और एक्सप्लोर करने पड़ेंगी नई से नई जगह, और आपको बहुत सारे डेंजरस मॉन्स्टर भी देखने को मिलेंगे जिनके साथ फाइट करने में आपको बहुत मज़ा आएगा गाइस। तो गेम फुली ऑफलाइन रहने वाला है, यानी कि आपको इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके साइज़ की बात करूं तो 46 MB इसका पूरा साइज़ है। और इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 1 GB रैम वाला मोबाइल डिवाइस होना चाहिए, जिस पर यह गेम बहुत अच्छी तरह वर्क करे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। जो मेरी लिस्ट का फोर्थ गेम है गाइस, उसका नाम है ग्रैंड क्रिमिनल ऑनलाइन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये गेम ऑनलाइन रहने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारा ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है। और इस गेम के बारे में बताऊं गाइस, तो ये गेम एक GTA की तरह ही एक गेम है, जिसमें आप लोगों के साथ कारकूर छीन सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, मिशंस को कम्प्लीट कर सकते हैं और एरिया को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और इस गेम में आपको हर वैरायटीज ऑफ क्लोथ्स, वेपन्स एंड बाइक साइकिल देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। इस गेम में आपको एक मल्टीप्लेयर मोड भी देखने को मिल जाता है गाइस, जिसकी वजह से आप इस गेम को अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं बहुत ईजिली। अगर आप आज की डेट में कोई गैंगस्टर वाला गेम डाउनलोड कर प्ले करना चाहते हैं तो ये गेम बेस्ट है आज की डेट में। आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर प्ले कीजिए। ग्राफिक भी बहुत अच्छे लेवल के देखने को मिल जाते हैं। इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 2 GB रैम वाला मोबाइल डिवाइस होना चाहिए, जिस पर यह गेम अच्छी तरह वर्क करे। जो मेरी लिस्ट का फिफ्थ गेम है दोस्तों, उसका नाम है डेथ इनसाइड। ये गेम एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट के साथ आता है गाइस, यानी कि ये गेम डेफिनेटली बहुत अच्छा गेम है, जिसमें आपको बहुत सारा ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है और साथ ही आपको इस ओपन वर्ल्ड एरिया में सर्वाइव करते हुए ज़ॉम्बी से फाइट करनी होगी गाइस,
जिसमें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी गन्स, और गन्स को आप खाली चलाओगे तो नहीं, इसलिए उनकी गोलियां भी आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, एक्सप्लोर करनी पड़ेगी मेडिकेट्स सर्वाइव रहने के लिए। और इस गेम में आपको बहुत अमेजिंग स्टोरी लाइन देखने को मिल जाती है, आपको अगेन एंड अगेन इस स्टोरी लाइन को रिपीट करना है और इस स्टोरी को ख़त्म करते ही आपकी गेम कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 2 GB रैम वाला मोबाइल डिवाइस तो होना ही चाहिए। तो गेम फुली ऑफलाइन रहने वाली है, यानी कि आपको इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और गेम के साइज़ की बात करूँ तो वो तकरीबन 100 या 200 MB के आसपास रहेगा गाइस, तो आप ज़रूर प्ले कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, जो मेरी लिस्ट का 6th गेम है गाइस, उसका नाम है लॉस इन ब्लू। ये गेम एक मोवो RPG गेम है गाइस, जिसमें आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट तो देखने को मिलता ही है, साथ ही एक ग्रेट स्टोरी लाइन और बहुत मिस्टीरियस थिंग्स भी देखने को मिलती है गाइस। इसकी स्टोरी लाइन की बात करूं तो स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा है कि आपका प्लेन कहीं क्रैश हो जाता है इजलैंड में, और उस इजलैंड पर बहुत सारी मिस्टीरियस थिंग्स हैं और बहुत सारा एडवेंचर है गाइस। तो इस गेम को प्ले करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, वेपन्स क्रिएट करना पड़ेगा, अपना हाउस या विजडम। और इस गेम में आपको रिवर्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे विलेजेस एंड वोल्केनो ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे, तो आप इस गेम को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। और साथ ही और इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 3 GB रैम वाला मोबाइल डिवाइस होना चाहिए, जिस पर यह गेम अच्छी तरह वर्क करे। और साथ ही ये गेम ऑनलाइन रहने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, जो मेरी लिस्ट का आखिरी गेम है गाइस, उसका नाम है जेंशन इंपैक्ट। इस गेम के बारे में बात करूं गाइस तो ये ओपन वर्ल्ड सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट गेम है आज की डेट में, क्योंकि इसके ग्राफिक्स क्वालिटी और स्टोरी लाइन बहुत अमेजिंग है। जो इसके स्टोरी कट सीन आते हैं गाइस वो भी बहुत अमेजिंग है, इसको कंसोल लाइक गेम बनाते हैं, और इसका म्यूजिक भी बहुत इंस्पायरिंग है, और इसमें आपको बहुत सारा हग इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है, जिसको एक्सप्लोर करने में आपको बहुत सारा मज़ा आएगा, और बहुत ही सुपर नेचुरल पावर देखने को मिलेगी आपको करेक्टर में। और ये गेम ऑनलाइन रहने वाला है, यानी कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं, तो गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो गेम को ज़रूर ट्राई कीजिए गेम, और इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 4 GB रैम वाला या 6 GB रैम वाला मोबाइल डिवाइस होना चाहिए, जिस पर यह गेम हाई ग्राफिक्स पर रन कर जाए। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर डी एंड करते हैं गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस वीडियो का लाइक है मैं 200 लाइक, तो प्लीज़ यार कर देना, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी लगता है। आई मेक श्योर यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।